अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज शनिचरवार है 2 अप्रैल 2022, 29 शाबान अल-मुअज़्ज़म 1443 हिजरी। श्रीनगर से शाया होने वाले उर्दू रोज़नामा अखबारात की सुर्खियाँ लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले शुरुआत रोज़नामा कश्मीर उज़्मा से। तिरकवांगम छुपैया में शबाना तसादुम ख़त्म, मुकामी मिलिटेंट जामबाग महलूक एक माह कबल लापता हुआ था, पुलवामा में 3 माउनीन गिरफ्तार। तरक्की की रफ्तार और महकमों के दरमियान हम आहंगी पर तबादले ख्याल। सालाना बजट के अहदाफ मुकर्रर, बुनियादी तरक्की, तालीम, हेल्थ केयर, सरमायाकारी, रोज़गार, ख्वातीन की बाख्तियारी, समाजी स्कीमों के लिए बजट सपोर्ट में खातिर ख्वाह इजाफा शामिल। मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन का नाम तब्दील, बोर्ड मीटिंग के माली साल के बजट पर बहस। रामबन में 12 रोहिंग्याई गिरफ्तारी के बाद हीरानगर जेल मुंतकिल। पहलगाम में एसीबी की कार्रवाई, असिस्टेंट इंजीनियर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। और अब रोज़नामा तामील इरशाद से चंद सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में कोरोना की योमिया मामलात में कमी का रुझान, 31 टेस्ट मस्बत, 12 अज़ला में कोई मुतासर नहीं। वादी में 30 और सूबे जम्मू में सिर्फ एक नया केस, मजीद 13 अफराद शिफायाब। भारत में 1335 नए केसेस, 52 अमवात, 1918 अफराद सेहतयाब। फाल मामलात की तादाद कम होकर 13672 रह गई। वादी में स्कूली अवकात कार में तब्दीली, म्यूनसिपल इलाकों में सुबह 9 से सपहर 3 बजे तक और म्यूनसिपल इलाकों से बाहर के इलाकों में सुबह 10 से 4 बजे तक। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर मुतवातर नज़र राजनाथ सिंह, कहा यूटी तरक्की की राह पर किसी को अमन में रखना डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। श्रीनगर एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टरों की पार्किंग फीस में 50% कमी का ऐलान। कुलगाम में सड़क हादसा, खातून जाम भाग। जगीपुरा चरार शरीफ में तहरीक खाने के बाद 39 अफराद बीमार, 18 श्रीनगर मुंतकिल, इलाके में सरासीमगी। जनरल ऑफिसर कमांडिंग और आईजीपी कश्मीर की जेर सदारत आला सतही मीटिंग, वादी के मजमुई सिक्योरिटी मंजरनामे का लिया गया जायजा। अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में हिफाजती इंतजाम और हालिया शहरी इलाकतों पर भी तबादले ख्याल, दिफाई तर्जुमान। और अब मुंबई उर्दू न्यूज़ से चंद सुर्खियाँ। रमज़ान मुबारक में मरकज निज़ामुद्दीन को खोलने की इजाज़त, किसी भी मस्जिद से लाउड स्पीकर नहीं उतरेगा। माह रमज़ान मुबारक के मौके पर भाजपा लीडरों की शरंगेजी और पुलिस स्टेशनों से मसाजिद को नोटिस दिए जाने के पेश नज़र वंचित बहाजन अगाड़ी के वफद की पुलिस कमिश्नर संजय पांडे से मुलाकात, भाजपा में शामिल मुस्लिम लीडरान से ज़मीर की आवाज़ पर पार्टी छोड़ने की अपील। दिल्ली हाईकोर्ट से राणा अयूब को फौरी राहत नहीं मिली। और अब रोज़नामा सियासत से चंद सुर्खियाँ। रियासती पार्टियों कांग्रेस और लेफ्ट का इतिहाद ज़रूरी, बीजेपी के खिलाफ कौमी सतह पर उसूली इतिहाद बनाने स्टालिन की अपील। मास्क की पाबंदी हटाना जल्दबाजी होगी, माहिरीन, दिल्ली में गर्मी से कोई राहत नहीं, कल से दर्ज हरारत बढ़ने का इम्कान। और टीका अंदाजी मुहिम से तीसरी लहर से बचने में मदद मिली। और सऊदी अरब में आज पहला रोज़ा। तो सामीन, ये थी हमारी आज की सुर्खियाँ, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।